पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आने हैं, यानी कल आने हैं, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षियों ने चेतावनी जारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें चेतावनी देते हुए नजर आए थे मनोज झा और कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हुई, धोखाधड़ी हुई तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो वही अब इस कड़ी में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने भी चेतावनी जारी कर दी है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कलेक्टर साहब सुन लीजिए, कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता बरतिएगा। साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव। बताते चले आपको कि कल परिणाम आने हैं लोकसभा चुनाव के, जिसको लेकर पप्पू यादव ने अब कमर कस लिए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जीत का भी दावा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कम से कम अगर सीट आती भी इंडिया गठबंधन को तो 15 से 20 सीट आएगी, और अगर मैक्सिमम सीट आती है तो 20 से 25 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अपने आप में खुद जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्विंग किया वहां कुछ, जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट, मतलब ये एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को ला, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बना रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर की से बेमानी कर पाए। 100 से 20 हजार के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक परीक्षा देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग ने इतना बेमानी की, बेमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती कर ऑर्डर निकल। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर सील करिएगा। बेमानी आप नहीं करना चाहते ना, पोस्टल से है ना ये बेमानी का रास्ता आपका। पोस्टल गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िए। एक पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक एक साथियों को, और सभी जाति धर्म वर्ग समूह समाज के लोगों का अभिवादन, आभार, अभिनंदन, प्रणाम, सलाम और दुआर। बेटे की तरह दायित्व को भी निभाया, कर्तव्य का पालन भी किया और पूर्ण भरोसा भी अपने बेटे के प्रति दिखाया। दूसरा,
1951 अधिनियम, निष्पक्ष मतदान, ये चुनाव आयोग का दायित्व। जिस तरह जनता ने चुनाव आयोग पर भरोसा किया, वैसे मैं चुनाव आयोग से उम्मीद करूंगा कि आप निष्पक्ष काउंटिंग, पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन आप करें। मेरा सवाल है, आज के दौर में निरंतर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, और इतना ही नहीं, यह दुनिया के लिए यह एक विषय बन गया। जनता का गुस्सा, आक्रोश, जो जनता 10 सालों में भरोसे किए थे, उम्मीद किया गया था, एक विश्वास किया था और सपने देखे थे अपनी जिंदगी के बारे में, खुशियों के बारे में, मुस्कुराने के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, गरीबी से निकलने के बारे में, न्याय के बारे में, सारे सपने टूट गए। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी दुनिया का सबसे नंबर वन पे चले गए, भ्रष्टाचार हर व्यक्ति के जीवन के लिए मौत का कारण बनता चला जा रहा है, न्याय की उम्मीद इस देश में नहीं रही। 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां सत्रह सी फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कॉपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को, काउंटी को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या दिखा। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्य लॉयर रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक सारे सीनियर लॉयर। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी जी ने हर लोकसभा में 5 सदस्य लॉयर किया है। मैं चाहूंगा बिहार में भी सारा कैंडिडेट, जैसे मैंने यहां किया है, वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात करें हर कीमत, ताकि कानूनी प्रक्रिया के साथ हमारी लड़ाई जारी। हम हर तरह से सजग हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम जगे हैं, हम जीतेंगे, बिहार इतिहास लिखेगा, उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उसमें बिहार का एक नया इतिहास का अध्याय होगा। इंडिया गठबंधन किसी भी परिस्थिति में 15 और 20 के नीचे नहीं आ सकता, मिनिमम 15 से 14 और मैक्सिमम 20 से 21 भी हम जा सकते। इसीलिए मैं मोदी जी के